और दीवानों इसे पहचानो, कहाँ से आया ये है कौन। लग गया। आज फिर हम अगली खोज के लिए बिहार के जमुई जिले से नवादा की ओर निकल चुके हैं। इसमें करीब 2 घंटे का समय लग गया। जिन लोगों ने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा उनके लिए यह बता दूं कि हम बिहार में उन शैल चित्रों की तलाश में हैं जो हजारों साल पहले कभी आदि मानवों ने बनाया था। इस खोज के बाद बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा जिससे पता चलेगा कि हजारों साल पहले भी यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। Hey guys, this is Ashali for the people by the people of the people, और अभी मैं नवादा में हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम निकल रहे हैं कवाकोल जंगल में। और इस जंगल में हम मंगल करने क्यों जा रहे हैं वो मैं वहाँ चलूंगी और आपको बताऊंगी। बाकी हम जा रहे हैं अगेन वही डेंजरस जोन में जो कि कम्प्लीटली नक्सलाइट से घिरा हुआ है और हम वहाँ जाकर अपनी खोज को जारी रखेंगे। धागा जो लपेटती है ना औरतें भयंकर है। तो दोस्तों आज बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज के दिन यहाँ पे जो लोकल औरतें हैं वो धागा लपेटती हैं बड़ के पेड़ को। बट सावित्री पूजा हो रहा। अच्छा, और ये मतलब साल में एक ही बार आती है। अच्छा, अमावस्या के दिन ये बड़ का पेड़ है और वट सावित्री की पूजा आज हो रही है जो कि अमावस्या के दिन पर होती है। और ये लाल धागा जो कि बहुत शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में और उससे पूरे बड़ को लपेटा जाता है। और ये वट सावित्री की पूजा जो है वो सुहागनी करती है। सुहागनी करती। कितनी खूबसूरत दिखती हैं हमारे देश की महिलाएं और जब आस्था का प्रतीक कहा जाता है हमारा भारत और यही आस्था का प्रतीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सब औरतें एक होकर के यहाँ जाती आती कुछ भी नहीं देखी जाती लेकिन सारी हिंदू औरतें जो हैं मिल करके ये वट की पूजा कर रही है। वैसे नवादा सर्किट हाउस से जो कि हम निकले और फिर पूजा की निसर्ग की जी प्रकृति की पूजा है ये चाहे उसे नाम कुछ भी दे दें और हम इस तरीके से हमारी प्रकृति का संरक्षण करते हैं। तो अब हमें 38 किलोमीटर्स का रन तय करना है कवाकोल के लिए। गाइस पार्ले जी, वैसे हम लोग अभी कवाकोल पहुंच चुके हैं, राह देख रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ और भी साथी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं तो हमने सोचा कि चाय और पार्ले जी का नाश्ता हो जाए क्योंकि यहाँ और कुछ मिलने नहीं वाला है। वैसे दोस्तों हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को जिस स्पॉट पर जाना है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो अभी गांव वालों से हम लोग पूछ रहे हैं। लेट्स सी कि जो है हमारे हाथ क्या लगता है। वैसे हम लोग फिलहाल जो है सुखदेवरा में हैं और ये काफ़ी सुंदर सा गांव है और बस मोस्टली तो हम इस तरफ जाना चाहिए और ये पूरी की पूरा जो है गांव पठारों से घिरा हुआ है और यहाँ पर लाइक हिललॉक्स है, हिल्स नहीं है लेकिन हिललॉक्स है। आपको नहीं पता है? नहीं पता है। आपको मशीनें बता देगा। हम लोग की कहेंगे तो बंगाली था सगड़े घोड़ा था जंगल झाड़ का वो खोजता था कोयला। अच्छा, खोजता था अमरक और इसमें सामान खोजता था। अच्छा, तो बहुत दूर घोड़ा सब दूगो बूढ़े बूढ़े बंगाली था और लेकर रोज जाता था घोजता था पूरे जंगल। तो नावादी के जंगल में पता लगाया था कि तम्मा अधिक है। अच्छा, और यहाँ के आश्रम के बगल में कोयला बताया कि बहुत नीचे मगर। अच्छा, लेकिन हम ढूंढने आए हैं जहाँ पर कुछ चित्रकारी की हुई हो। हाँ, तो चित्रकारी कर है जैसे आपको हवरवा है बता। कोहर। हाँ, कोहर कोहर वही सर। कोहर लालपुर का जंगल। टू माय सरप्राइज हम लोग फिर खोजते हुए एक घर के पास आए हुए हैं और हमें रोहित हेल्प कर रहा है यहाँ पर। रोहित है
और ये देखिए खंडर टाइप का दिख रहा है, बहुत ओल्ड मकान है लेकिन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, काइंड ऑफ रूइंस। फिलहाल तो गाय का तबेला है यहाँ पर। सोखो देवरा में ये एक ऐसा घर मिला जिसे लगा कि सभी समस्याओं का हल मिल गया, किंतु ये नहीं पता था कि यही घर सभी के लिए अभिशाप बन जाएगा और भोले भाले गांव में भी कुछ ऐसे शातिर मिल जाएंगे जो काम बिगाड़ सकते हैं। सोखो देवरा जो गांव है उसका ये एक टोला है और इसे कहते हैं गोबर टोली। गांव के इस हिस्से में भी हम पूछ के देखते हैं कि उनको किसी चीज़ की जानकारी है, ऐसे कोई रॉक पेंटिंग्स की, कोई इस तरीके से स्क्रिबलिंग की जो कि उन्होंने कभी देखी हो। मोस्टली ये लकड़हारों को पता होता है और जो लकड़हारे जंगल में जाते हैं और लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, बीड़ी के पत्ते चुनने के लिए जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस पहाड़ में क्या क्या मिलता है, लेकिन मोस्टली लकड़ियों के लिए, लकड़ी के लिए तो बिल्कुल जाते हैं लकड़हारे। मुझे दोगी पायल? पायल बहुत खूबसूरत है तुम्हारे, दोगी मुझे? दोगी क्या नाम है तुम्हारा? नाम है साक्षी कुमारी। शशि? साक्षी। साक्षी, ओ वाह, साक्षी नाम है तुम्हारा, इतना बड़ा टीका डाला हुआ है तुमने, बाप रे बाप। गांव की जिंदगी कितनी सिंपल, कितनी शांत, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं जब हम गांव में रहते हैं। तो शहर की तामा जाम में हम भूल जाते हैं कि हमारे भी मस्तिष्क में एक ऐसा सोल है जिसे इस तरीके के वातावरण की ज़रूरत है। जंगल में ऐसे लकड़ियों के मतलब स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे आपको, पूरे कांटों से भरे हुए हैं। और देखिए हमारे जाबाज दो सिपाही, एक काले हैट में है, वो डॉन है। सन्नाटा ही सन्नाटा है। अब हम जंगल में घुस चुके हैं पूरी तरीके से और आसपास सिर्फ पेड़ हैं, बुशेस हैं, कांटे हैं और सामने मुझे हिललॉक दिख रहा है, दिखाती हूँ आपको। वैसे अभी दिव्याप को भी हंसी आ रही है क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन ये जगह जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि यहाँ पर आप ऐसे ही आए बिना गांव वालों की मदद के, क्योंकि आप गुम भी हो सकते हैं क्योंकि ये पूरा जंगल इलाका है। वैसे फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं उस रास्ते से जहाँ से ट्रैक्टर्स जाते हैं, ये गाड़ी वहाँ से जाने के लायक है नहीं, फिर भी हम लोग घिंच-घांच करके लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये जगह अभी भी अलूफ है और लकड़हारे की मदद से हम लोग अभी अंदर जा तो रहे हैं, देखते हैं। लेकिन लोगों ने हमें मना किया, यहाँ पे डीएम ने भी मना किया और सरकार के किसी भी व्यक्ति के साथ हम नहीं आ सकते हैं, ना ही पुलिस के साथ आ सकते हैं, ना सीआरपीएफ के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ आना मतलब अपने लिए रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो इसलिए एक नॉर्मल इंसान की तरह यहाँ पर हम आए हुए हैं, और वैसे भी हम हैं ही हैवी नॉर्मल, लेकिन इट इज़ रियली डेंजरस टू गो अराउंड इन दिस प्लेस। वहां पे अरे पर पत्थर पत्थर है भाई, मैं इस पर चला जाया इसको देखो, अरे इधर स्केच मार देगा। हां तो नहीं नहीं एक मिनट, पर लगता है हम लोगों को गाड़ी यहीं पर छोड़नी पड़ेगी क्योंकि
रास्ता अभी एकदम नैरो है और गाड़ी को काफ़ी स्क्रैच लग चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो यहाँ से हमने चलना शुरू कर दिया है, करीबन जो गांव हमने वहाँ पर देखा था गोबरतोली, वहाँ से ऑलमोस्ट हम 15 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। मेरी कैब भी ख़राब हो गई है। ओके गाइस, सो अब हम फिर लौट रहे हैं क्योंकि ये हम थोड़े रॉन्ग रूट पर आ गए थे। जो है ना पढ़ाई ऐसा भी होता है व्हेन यू आर ऑन रिसर्च, लोकेशन हंट करने के दौरान हो सकता है कि आप साल पुराना है चित्र आपका बना हुआ एग्जैक्ट जगह तक ना पहुंच पाए या आप सही रूट से ना जा पाए, लॉन्ग रूट पड़ जाए। तो ये जहाँ से हम लोग जा रहे थे इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग रूट, यहाँ से जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाय द टाइम हम लौटेंगे रात हो जाएगी एंड विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। लोग उधर से गए, मैं इधर से जाऊंगी और मैं पहले पहुंच जाऊंगी। फन एंड वर्क गोज टुगेदर है ना दोस्तों, रिवर्स ही ले लेते पहले दोस्तों। तो अभी हम लोग अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, अब अप्रॉक्सीमेट हम लोग 4-5 किलोमीटर बैक आए और फिर अगेन एक जोगिया पहाड़ी है जिसके साउथ वेस्ट में हमने जाना है, अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर के रेडियस पर, जहाँ पर हमें वो स्पॉट मिलेगा जिस रॉक शेल्टर को हम लोग ढूंढ रहे हैं। हो सकता है यहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है वहाँ हो। देखिए कांटे ही कांटे हैं, ओप्स लग गया। आप जो है देखना शुरू कीजिए जरा, हम तो अपने जा रहे हैं, जाइए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, जाइए। बड़ा सा गुफा टाइप का है, बड़ा सा, बड़ा सा है, बड़ा सा। करीब 2 घंटे के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, हम लोग लगातार जंगल के भीतरी इलाके में चले जा रहे हैं जो थोड़ा डरावना है, फिर भी हमारे अंदर एक जोश भरा है जो आदि मानवों के रहन सहन को जानने के लिए उत्सुक है। यहाँ के हर एक गुफा जैसे आदि मानवों के रहने का घर था, पर आज का समय हम पर भारी पड़ रहा है। ये देखिए अदिति को लग गई है। ओके गाइस, सो अगेन वी हैव गॉट स्टक एंड दिस इज अ डेड एंड एज वी कुड सी हियर। यहाँ पे नाला है और नाले के करीब हमें नहीं लगता है कि हो सकता है, क्योंकि अगर होना चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए और शेल्टर्स के जो रॉक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पत्थरवा में घुस घुस करके एक एक जगह देखा, 300 मीटर में न ढूंढ पाए दूसरा स्पॉट, 2 किलोमीटर बाद मिला एक, जबकि वो पता था उसको कि हरहरवा में स्पॉट है। तो ढूंढना इज वेरी टफ, इसको जब तक कि किसी को आइडिया नहीं होगा ना कि क्या कहते हैं आप बताइए, है ना मजेदार। ये पत्थर टूट के गिर गया है, ऐसे लग रहा है कि मैं सीप के बीच में हूँ। यस, शेल के बीच में एक मोती विराजमान। फाइनली हमने उस गांव वाले को छोड़ा और खुद ही खोज पर निकल पड़े, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से उसने हम सबको इस बीहड़ जंगल में थकाया वह उसकी काबिलियत ही थी। किसी गांव वाले ने हमारे साथ ऐसा पहली बार किया था जबकि हमने उसे पे भी किया था। शुरू में आसान दिखने वाला यह सफर बहुत थकान भरा हो गया, ऐसा लग रहा था कि उस गांव वाले ने हमें इस इलाके से भगाने के लिए यह नाटक किया है, लेकिन हम लोग जीवट किस्म के इंसान हैं, आज तो यहाँ से कुछ न कुछ तो खोज कर ही मानेंगे। ओके दोस्तों, हम लोग सोकोदेवरा आश्रम से अभी वापस इस तरफ लौट रहे हैं जंगल में, और हम वहाँ पर जिस पहाड़ियों में ढूंढ रहे थे जोगिया पहाड़ी करके, तो वो पहाड़ियाँ नहीं थी, हमें थोड़ा सा और आगे आना था और कुछ इस तरीके का ये जगह दिखेगी इनकेस अगर आप आते हैं तो।
और वहाँ पर कुछ अराउंड 10-12 घर है आगे उस तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं, हमें एक रॉक शेल्टर मिला है जहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हैं। वाव दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है पीछे सिर्फ हिलॉक्स ही हिलॉक्स हैं और हम जंगल के बीचों बीच है। वैसे तो कब से हम लोग जंगल के बीचों बीच है, लेकिन ये तो इतना घना जंगल है, उस तरफ हिल भी है पीछे की तरफ, लेकिन फिलहाल तो हम एक हिलॉक पर जा रहे हैं। शायद हमें ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ढूंढ लेंगे। I found one shade, one shelter here, but we don't see that this is a rock shelter with paintings, okay? But there is something inside. Possibly this is a monastery or maybe a faded. White दिख रहा है क्या? दिख रहा है जो भी है, खत्म हो चुका है। लग ऐसे रहा है कि monks का ये बनाया हुआ Buddhist मोनेस्ट्री टाइप है, कुछ वॉल है और कहा जाता है कि यहाँ पर मूर्ति थी जो स्मगल हो चुकी है। टेढ़े टेढ़े आओ और आगे और आगे और आगे। आदि मानवों के रहस्यों को ढूंढते ढूंढते हमें पता ही नहीं चला कि हमें वह गांव वाला एक ही जगह पर घुमा घुमा कर इतना थका चुका है कि सारी एनर्जी ही समाप्त हो गई है। लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए इस गांव वाले को हमारे साथ भेजा था। जंगल में आते जाते हैं क्या? तो आपको पता है कि कोई यहाँ पे ऐसा कोहवर है जहाँ पर पेंटिंग किया हुआ हो, चित्रकारी? हाँ नहीं, घर तो नहीं है। बड़ा गुफा 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 हाँ है। कहाँ है? लेकिन वो उधर उस साइड है। किस तरफ? ये इस साइड में। आज का दिन लगता है कुछ ज्यादा ही टफ जा रहा है। कोशिश बरकरार है कि हमें एक रॉक शेल्टर मिल जाए, और अगर एक रॉक शेल्टर मिल जाएगा तो हो सकता है कि उसके करीब के कुछ और दो रॉक शेल्टर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अभी एक होप ऑफ रेज हमारे पीछे है और ये गांव के हैं और इन्हें शायद पता है। तो हम तीसरी बार इसी जगह पर आ रहे हैं और आखिरकार लगता है हमें कुछ सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पे नहीं नहीं तो भी 1,000-2,000 लोगों के मतलब शेल्टर की जगह है। रास्ता काफ़ी नुकीला है पर जाना पड़ेगा। रुको रुको रुको, कैमरा उधर 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 पैर रखिए। मुबारक हो रोहित जी। आए थे ना आप यहाँ पर? हम यहाँ पे नीचे दिखा के गए हैं ना, हम बोले कैमरा जूम कीजिए देखिए, तो बोले नहीं मेरे काम का चीज नहीं है। चलिए आराम से करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमें अपना पहला शैलाश्रय मिल ही गया, जिसमें बहुत सारे शैल चित्र थे। तो अभी दिव्याब नीचे उतर चुका है और फर्दर हमारा डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे भी देखो कुछ इमेज है ऊपर।
उतना ऊपर कैसे ड्रॉ किया होगा? बहुत ऊपर है। इस घने और कटीले जंगल में कभी हमारे आदि मानव रहा करते थे। वे यहाँ घूमते थे, शिकार करते थे और इन चित्रों के द्वारा कई प्रकार के संकेतों को छोड़ते थे। ये शेल्टर कुछ अजीब सा है। मैंने पहली दफा इस तरीके का शेल्टर देखा है और इस शेल्टर में बहुत सारे चित्र हैं और बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स हैं, लेकिन इस शेल्टर की एक विशेषता यह है कि जैसे ही आप नीचे की तरफ, जब आप यहाँ पे जोगिया पहाड़ है, आप जब उसके पीछे की तरफ जब आते हैं, मतलब साउथ में, तो ये दूर से ही दिखता है। ऑल्दो हम लोग पहले नहीं देख पाए, लेकिन इसकी विशेषता देखिए, सीलिंग जो है वो पूरे तरीके से, ये देखिए, ये पूरी सीलिंग जो है इस तरीके से पेंटेड है और वही फ्रंट में सिर्फ ये गोल सा दिख रहा है, बीच में एक डॉट है। यहां पे बड़ा जबरदस्त है, इसमें एक चक्र सा बना हुआ है, बेसिकली एक राउंड सर्किल के बीच में फूल सा बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ पंजे के निशान हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टार टाइप का बना हुआ है, तो बिल्कुल लग रहा है मुझे स्टार, और ऊपर में वो डॉट बिल्कुल, अभी गांव में कई दफ़ा जो है ऐसे कोहवर आपको देखने को मिल जाते हैं शादी विवाह के दौरान। यह वाकई हमारे यकीन से बाहर था और इससे भी आश्चर्यजनक यह था कि ये चित्र इतने सालों बाद भी एकदम सलामत है। ये सीलिंग मुझे सबसे अच्छा लगा है। रॉक शेल्टर के बड़े होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जिस इधर उधर की खबरों से हम आए थे, बहुत ही गुमराह किया गया हमें ताकि हम इस जगह तक नहीं पहुंच पाए। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी सैड कि वो कर्नल जिन्होंने इसे डॉक्यूमेंट किया था कुछ सालों पहले और वो कोई हेल्प नहीं कर सके, और उन्होंने लोगों को ये इन्फॉर्म किया कि किसी को हेल्प नहीं किया जाए इस जगह तक पहुंचने के लिए, विच इज़ सो पथेटिक। 5 बजे से हम लोग भटक रहे हैं और उन्हीं के घर के एक व्यक्ति ने एक आदमी को हमारे साथ भेज दिया और उसे ये कह करके भेजा था, जो कि हमें शक हो रहा था कि इनको कुछ मत बताना, लेकिन Where there is will, there is way. और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि डॉन ने तो भी बता ही दिया, लैडर्स बने हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, घर का एक फॉर्मेट टाइप है और बहुत सारी चित्रकारी है, हाथ के पंजे हैं, सूरजमुखी है, बहुत सारे अलग अलग फूल पत्तियां हैं और इवन कुछ लिखावट भी है यहाँ पर, कुछ लाइंस भी हैं, कुछ एनिमल का फॉर्मेशन भी कहीं पे दिख रहा है इधर ऊपर। इट्स ब्यूटीफुल इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दिख रहा है। वाओ, आज हवा भी बहुत ही मजेदार है। ओके दोस्तों, ये बुद्धिस्ट सिंबल्स को भी दर्शाता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर बुद्धिस्ट सिंबल्स ही ज़्यादातर दिखाई दिए हैं और ऑब्वियस है कि यहाँ पर मंक आकर के शेल्टर लेते होंगे और यहाँ के लोगों के लिए भी उन्होंने शेल्टर बनाया होगा। सो ये हम जगह इवन बुद्धिस्ट रिलेटेड भी कह सकते हैं। Here we got one rock shelter with rock painting and I'm happy about it. आज थोड़ा क्लाइमेट ठीक है, नहीं तो बेसिकली बिहार की अभी की गर्मी जो है वो 45 प्लस डिग्री होती है और पुरवैया बोलते हैं ना, पुरवैया चल रही थी तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक था। वरना इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि आप 12 बजे के बाद क्या 11 बजे के बाद आप काम भी कर पाओ, और वो भी ऐसे ओपन में जहाँ पे कोई शेल्टर भी ना हो। वैसे हम लोग दूसरे रॉक शेल्टर की ओर जा रहे हैं और होपफुली आज का सक्सेस रेशियो 2 है। ट्रैकिंग के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है और बस
अब हम ट्रैक करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हाफ वे हम आ चुके हैं, आपको दिख रहा है वहाँ पर। अब ऊपर जाना है। ओके गाइस, तो हम लोग अभी पंगसंगवा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर हम पूछेंगे कि अगर उनको कोई भी ऐसे रॉक शेल्टर के बारे में पता है जो कि इन पहाड़ों में होगा। बात तो करो। ले बिस्किट खा के बाय भी नहीं बोलते हो?